अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए कि आज आदरणीय सुशील मोदी जी का निधन हो गया। बिहार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। परम श्रद्धे माननीय सुशील मोदी जी के बारे में मिला कि वो हमारे बीच नहीं रहे, बड़ा ही मर्माहत करने वाला और ये अंदर से झकझोरने वाला। इनके निधन होने से हम दुखी हैं, पूरा बिहारवासी दुखी है, ऐसे लीडर गुजर गए। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए कि आज आदरणीय सुशील मोदी जी का निधन हो गया। बिहार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे भी बड़ा अपूर्णीय क्षति है कि बिहार की राजनीति में जहां उन्होंने छात्र जीवन से और विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, बिहार का जो अनुभव था उनका, बिहार में जो उन्होंने वित्तीय प्रबंधन किया, बिहार में सुशासन स्थापित किया, ये बिहार के लिए आज एक अपूर्णीय क्षति हुआ है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान से आशा करता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान देने का काम करे। अकस्मात बड़ा ही असहनीय दुखद समाचार परम श्रद्धे माननीय सुशील मोदी जी के बारे में मिला कि वो हमारे बीच नहीं रहे, बड़ा ही मर्माहत करने वाला और ये अंदर से झकझोरने वाला। जो व्यक्ति आज बरसों से विद्यार्थी परिषद से लेकर विधायिका कार्य से लेकर नेता प्रतिपक्ष उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कई पद को सुशोभित किए और उस पद को सुशोभित ही नहीं एक अनूठा मिसाल पेश किए। आज हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी में हिम्मत प्रदान करते थे, मार्गदर्शन देते थे, सामाजिक समरसता के वातावरण में उनका एक अनूठा मिसाल था विकास की गति बढ़ाने में। जब बिहार के अंदर विपरीत राजनीति चल रही थी वैसे समय उनके जंगल राज के वातावरण में संघर्ष का जो मिसाल था, हम लोग उस समय जुड़े थे और सचमुच में आज उनकी कमी खल रही है, इसकी भरपाई निकट भविष्य में कहीं दिख नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, बिहार की जनता आज निश्चित तौर पर मर्माहत है और ईश्वर इनकी आत्मा को चिर शांति दें, इनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दें। हम सभी इनके जो मिशन हैं, जो बिहार के प्रति इनका समर्पण और लगाव था बिहार की जनता के प्रति, हम सब मिलकर के हमेशा प्रयास करें कि उसको सफल करें। पुनः हम इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि ऐसे नेताओं को खोने के बाद हम सब धैर्य से इनके मिशन को और पार्टी को मजबूती प्रदान करने में अपना सहयोग देते रहें। जनता पार्टी के प्रदेश में सुशील मोदी सीनियर लोग थे और इनके नेतृत्व में हम काम करते थे। ये हुए चौबे जी हुए, संगठन मंत्री राठौर जी मर गए। जब भारतीय जनता पार्टी को परेशान नवगछम करता था, मैंने उस टाइम में प्रदेश अध्यक्ष कैलाशपति मिश्र जी, उनके मुताबिक मैंने काम किया भारतीय जनता पार्टी को नवगछिया और भागलपुर में भी सजाने का काम किया। ये हमारे सलाहकार थे, हमारे गुरु जी थे और इनको बहुत पसंद करते थे। ये निर्विवादित आदमी थे और आज कोई भी जगह पर चले जाए, लेकिन इन्होंने बिहार के लिए जंगल राज था, इन्होंने पूरा बिहार, संपूर्ण बिहार दौरा किया। इनके साथ भी हम थे और इनके निधन होने से हम दुखी हैं, पूरा बिहारवासी दुखी है, ऐसे लीडर गुजर गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।